बाग में मैया ने बल्लास को छाती से लगाओ और बपे मुंह रख के बोली, अरे बेटा प्यारे, जिसके पांच पांच पुत्र होते हैं और एक संसार को छोड़ के चला जाए तो वो मैया की हालत तो बड़ी बुरी होती है। जवान बेटा जब किसी के घर से जाता है तो उस बाप का हृदय विदीर्ण हो जाता। मैया तारा ने अपने बेटा की लाश पे मुंह रखो और जवाब दो, अरे पूत, चेत गर्भ में रहो, अरे बेटा नींद भरे सोयो रे काया में, अरे सोना छद काली पियो पर नहीं पाई छाया में, अरे पाली पियो का चुम्बन करती, कभी बेहोश हो जाती और जब होश आता है तो महाराज बाग का माली कहता, बेना इसे ले जा। वो कहते हैं ना, जाके पैर न फटी बीमारी, वो पीर पर आई क्या जाने। महाराज को बात याद रखना, वैसे तो दुख बहुत हुए, बड़े दुख चारे, भूमि अरड़ भैया मरड़, पुत्र सो गयो नारे। दुनिया में कष्ट तो बहुत है, अगर औरत मर जाए तो बड़ा कष्ट होता, भैया खत्म हो जाए तो बहुत कष्ट होता, और आपकी भूमि पर कोई कब्जा कर ले तो बहुत कष्ट होता, और हमारी समझ में महाराज बेटे से बड़ा दुख कोई नहीं होता। जिस बाप ने एक बेटे को खोया हो प्यारे भक्तों, उसकी हालत बड़ी खराब होती है, और माँ तो बहुत ही कोमल हृदय की होती। बगिया में बोलिए मैया तारा, अरे बेटा जे लपट की आगे मुसीबत आखिर में थोड़ी, अरे लाला भैया ला
बाग के माली ने बहना इसे ले जा, अगर तू इसे नहीं ले गई तो इसकी लाश पट जाएगी। जहाँ चार कंधे लगते हैं महाराज, मैया ने अपने बेटा को स्वयं उठा लियो। कभी उसके शरीर की धूल को झाड़ती है, कभी माथे पे चुम्बन लेती है, नजारा ही बदल गया। आधी साड़ी को फाड़ करके महाराज पुत्र के ऊपर डाला। हमारे भैया एक एक शब्द पर गौर करेंगे, कैसे चली है वो माँ। लाल वाली लाली बिन लाल के चली, लाल वाली लाली बिन लाल के चली। लाश लेके लाल की शमशान को चली, लाश लेके लाल की शमशान को चली। मरघट में पहुंची, राजा हरिश्चंद्र बोले, कौन है? बोले, मैं आपकी पत्नी हूँ। कौन पत्नी? अरे महाराज, मुझे नहीं पहचाना, मैं तारा हूँ। कौन तारा? कौन है तारा? ऐसी तारा किन की तारा रानी? कौन है तारा? ऐसी तारा रानी? सत्य धर्म के कारण रानी हुई यही रानी, सत्य धर्म के कारण रानी हुई यही रानी। आधी साड़ी तन पे आधी लाल पे पड़ी, आधी साड़ी तन पे चंद्र बोले, आज तुम रिश्ते निकाल रही हो ना, उस दिन रिश्ते कहां गए थे जिस दिन तुमने मेरा घड़ा नहीं उठवाया था। बात तुम्हारा धर्म था और आज मेरा धर्म है, मैं बिना कर का टका लिए हुए लाश नहीं जलने दूंगा। अरे हरिश्चंद्र कहे कर तो दे दे मेरी तारा रानी, हरिश्चंद्र कहे कर तो दे दे मेरी तारा रानी। मर घट के घट घट बासी ने लीला रची निराली, काले काले केसन को बिखराए के चली। लाल वाली लाली बिन लाल के चली, हरिश्चंद्र कहने लगे, बिना कर का टका हुए लाश नहीं जलेगी। रानी बोली, आप कैसी बातें कर रहे हैं, क्या ये आपका बेटा नहीं है क्या? महाराज, चाहे कितना भी धर्म हो, लेकिन बेटे की लाश जब सामने होती है ना, माताओं कहते यार राजा की छाती फट गई, और वो बेटा की लाश को छाती से लगाए के बोलो, अरे पूत, हे प्रभु, मैंने धर्म में कहां कमी कर दी,
जो तूने इसे भी उठा लिया। महाराज शमशान में दोनों को समझाने वाला कोई नहीं था। हरिश्चंद्र ने खुद को संभाला और विचार किया कि अगर मैं ऐसे ही रोता रहा तो निश्चित है कि ये थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचेगी और मुझे कर का टका नहीं देगी। रानी तारा ने जवाब दियो, हे महाराज, कर का टका देवे में हमें शर्म ना आए रही, लेकिन हमारी एक बात सुन लियो, का हम पे विपता परी पिया तुम कठिन पे जठोली। अरे मारा ला